सबसे बड़ा धनी कौन है, सबसे बड़ा सुखी कौन है, सबसे बड़ा गरीब कौन है, सबसे बड़ा विष क्या है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको हर रोज वीडियो के माध्यम से जीवन से जुड़ी उपयोगी बातें आपको लाता रहता हूं। आज भी मैं आपको इन चार प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक कुएं पर एक स्त्री पानी भर रही थी। तभी उस रास्ते से एक राहगीर गुजर रहा था। वो राहगीर अपने शहर का बहुत ही धनवान व्यक्ति था। व्यापार के लिए कहीं जा रहा था। जेठ का महीना था, चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। धनी व्यक्ति को बहुत जोर की प्यास लग रही थी। उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक स्त्री कुएं से पानी निकाल रही है। पानी देखकर उसकी प्यास और भी जोर पकड़ने लगी। वह धनी व्यक्ति महिला के पास गया और बोला, हे बहन, मैं इस शहर का सबसे धनी व्यक्ति हूं, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे जल पिला सकती हो। महिला बहुत ही बुद्धिमान औरत थी। धनी व्यक्ति के आग्रह करने पर पनिहारी कहने लगी, हे भाई साहब, आपने कहा कि मैं इस शहर का सबसे धनी व्यक्ति हूं, मुझे पानी पिला दो। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि धनी होने से प्यास का क्या संबंध। यदि आप ये नहीं कहते कि मैं धनी व्यक्ति हूं, पानी तो मैं तब भी आपको पिलाती, क्योंकि प्यास अमीर हो या गरीब दोनों को एक जैसी लगती है। पानी और प्यास का अमीरी गरीबी से कोई संबंध नहीं, और ना ही ये पानी किसी के साथ भेदभाव करता है। पर आपने अपने को धनी बताकर इस स्थान पर भेदभाव जरूर कर दिया है। अब मैं आपको पानी तभी पिलाऊंगी जब तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे। तुम मुझे बताओ कि तुम कौन से धनी हो, धनी तो बहुत हैं। पनिहारी का प्रश्न सुनकर धनी व्यक्ति चुप हो गया और एक और हटकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में एक व्यक्ति और आया। वो भी कहने लगा, हे बहन, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। महिला ने उससे भी कहा, पानी तो हम पिला देंगे, परंतु तभी जब तुम ये बताओगे कि तुम कौन से गरीब हो, गरीब तो बहुत हैं। प्रश्न सुनकर वो भी एक और खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद तीसरा व्यक्ति भी आया। हाथ जोड़कर बोला, बहन, मैं अपने गांव का सबसे सुखी व्यक्ति हूं, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। औरत ने उससे कहा, सुखी तो बहुत हैं, तुम कौन से सुखी हो। जब तक तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे, हम तुम्हें पानी नहीं पिला सकते। अब वे तीनों सोचने लगे, इसका मतलब इसकी दृष्टि में ना धनी धनी है, ना सुखी सुखी है, और ना गरीब गरीब है, तो फिर कौन है। अब वे तीनों एक जगह पर खड़े होकर सोच रहे थे कि प्यास बहुत जोर पकड़ रही है, पता नहीं ये स्त्री पानी पिलाएगी या नहीं, इसके प्रश्नों का उत्तर हम तो जानते नहीं है। तभी वहां पर एक सन्यासी आए। सन्यासी जी ने भी उसी तरह पानी का आग्रह किया। महिला ने उनसे भी एक प्रश्न पूछा कि पानी तो हम बाद में पिलाएंगे, पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। महात्मा जी कहने लगे, पूछो। पनिहारी ने पूछा, हे महाराज, दुनिया में सबसे बड़ा विष क्या है। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पुत्री, कामना ही सबसे खतरनाक विष है। जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं, वैसे वैसे उसका सुख चैन नष्ट होता चला जाता है और कष्ट और विपत्तियां उसे घेरती चली जाती हैं। किसी वस्तु की कामना उसे चैन से नहीं बैठने देती। एक वस्तु प्राप्त होने पर दूसरी की इच्छा होने लगती है, दूसरी की होने पर तीसरी की होने लगती है। इस तरह से कामनाएं बढ़ते बढ़ते विष का रूप ले लेती हैं और प्राणी मौत के मुंह में चला जाता है। एक बात याद रखना, जब तक कोई चीज हमें प्राप्त नहीं होती, वो तभी तक अच्छी लगती है। प्राप्त होने पर वही स्थिति हो जाती है जो पहले थी। इन कामनाओं की पूर्ति करते करते हम कब मुसीबत में फंस जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। मित्रों, इस प्रकार महात्मा जी से उत्तर सुनकर पनिहारी बहुत संतुष्ट हुई और उसने महात्मा जी को पानी पिलाया। महात्मा जी ने उन तीन व्यक्तियों की ओर देखा जो वहीं पर प्यासे खड़े थे। उन्हें देखकर महात्मा जी बोले, बेटी, इन तीनों को पानी क्यों नहीं पिलाया। वो स्त्री कहने लगी, महाराज, इन तीनों व्यक्तियों ने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं बता पाए, इसलिए इन्हें समझाने के लिए
मैंने इन्हें यहां रोक कर रखा है। यदि पानी पिला देती तो ये तीनों पानी पीकर कब के यहां से चले जाते। धनी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए वो स्त्री बोली, महात्मन, इन्होंने मुझसे आकर कहा था कि मैं शहर का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हूं, मुझे पानी पिला दो। तो मैंने इनसे कहा कि धनी तो बहुत है, तुम कौन से धनी हो। इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरे व्यक्ति ने भी कहा कि मैं बहुत गरीब हूं। तो मैंने उससे भी पूछा कि गरीब तो बहुत है, तुम कौन से गरीब हो। इसके बाद तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा मैं बहुत सुखी हूं। मैंने उससे भी वही बात कही कि सुखी तो इस दुनिया में बहुत है, तुम कौन से सुखी हो। ये तीनों मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। महात्मा जी कहने लगे, सुनो, इन तीनों की ओर से मैं आपको उत्तर देता हूं। जो मनुष्य प्रिय और अप्रिय, सुख और दुख, भूत और भविष्य, सम और विषम परिस्थितियों में एक सा रहता है, वही सबसे बड़ा धनी है। अक्सर होता क्या है कि सुख आने पर मनुष्य फूला नहीं समाता, सुख में वो दूसरों के कष्टों को नहीं समझ पाता और अहंकारवश किसी को समझता भी नहीं। दुख आने पर टूटकर बिखर जाता है, उसका धैर्य साथ छोड़ जाता है। कोई उसका प्रिय है तो वो उसके साथ अलग व्यवहार करता है, कोई अप्रिय है तो वो उसके साथ अलग तरह का व्यवहार करता है। इन परिस्थितियों में वो बदलता रहता है और जो नहीं बदलता वही धनी है। जो भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी विषयों की ओर से इच्छा रहित, शांतिचित, सुप्रसन्न और योग युक्त है, वही सब धनियों का स्वामी है। सबसे बड़ा गरीब वो है जिसका आत्मबल कमजोर है, जो अकर्मण्य है, जो आलसी है। ऐसा व्यक्ति करने योग्य कार्य को भी नहीं करता, और जब करता है तो वो अपने कार्य का विपरीत फल पाता है। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ भी ना करना पड़े और सब सुख उन्हें प्राप्त हो जाए, ऐसे लोग ही गरीब कहलाते हैं। सबसे बड़ा सुखी कौन है? इसका उत्तर है कि जिस पुरुष पर ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है, वो भले ही पांचवें या छठे दिन अपने घर के भीतर सागपात ही पकाकर खाता हो, तो वही व्यक्ति सबसे बड़ा सुखी है। मित्रों, इस प्रकार महात्मा जी ने उन तीनों की ओर से महिला को उत्तर दिया। महिला बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार उस पनिहारिन ने उन तीनों को जल पिलाकर विदा किया। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। जय श्री कृष्ण।